अस्सलाम वालेकुम आर्ट्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो का टॉपिक है पॉलीलाइन इंटरसेक्शन पॉइंट इन ऑटोकैड एंड कोगो पॉइंट इंटरसेक्शन इन सिविल 3D। कि अगर आप कोगो पॉइंट जो है वो पॉलीलाइन के इंटरसेक्शन पे सिविल 3D में क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं, या ऑटोकैड में क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में हम यही देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। तो यहाँ पे ये कुछ ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किए हुए हैं ऑलरेडी, जिन पे इंटरसेक्शन जो है वो बने हुए हैं। तो इसको हम देखते हैं। इसके लिए मेरे पास लिस्प है, जो ऑलरेडी हम पहले भी कुछ वीडियोस में यूज कर चुके हैं, तो ये पार्टिकुलर इन्हीं के रिलेटेड होगी। तो यहाँ पे मैंने इंटरलाइन जो है वो लिस्प यूज की है, लोड की है। यहाँ पे मैं इसको वन बाई वन इन ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करता हूँ। ओके, यहाँ पे ये जो है इसके इंटरसेक्शन पॉइंट क्रिएट हो गए हैं। अभी नेक्स्ट फिर हम इसी पॉइंट को यूज करते हैं, और यहाँ पे ये जो है अभी मेरे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है, राइट क्लिक, इस पे भी हो गए हैं। अभी यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ओके, राइट क्लिक, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो क्रिएट हो गए हैं। अभी फिर नेक्स्ट जो है हम ये वाला हमारे पास है, यहाँ पे भी हमारे जो है इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो क्रिएट हो गए हैं। तो ये कैड ऑप्शन थी कि अगर आप कैड में इसको करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर सिविल 3D में आपके पास ये कोई ज्योमेट्री है तो आप उसको कैसे कर सकते हैं, इसमें हम ये देखते हैं। तो इसमें ये जो पॉइंट है ये 3D ही क्रिएट होंगे, क्योंकि कोगो पॉइंट जो है वो एक्स वाई जेड से ही क्रिएट होते हैं। इसके लिए आपको सरफेस रिक्वायर्ड होगी, कोई भी सरफेस अगर आपके पास है, वो रोड की है, कट फिल एरिया की कोई भी है, और आपको उसके पार्टिकुलर पॉइंट पे आपको डाटा रिक्वायर्ड है, तो आप उसके हिसाब से उस पे पॉलीलाइन लगाएं और उस सरफेस से वो एलिवेशन ऑटोमेटिकली उठा लेगी। तो यहाँ पे मेरे पास ये पॉलीलाइन सर्कल की सूरत में है, और ये हमको एज ए सैंपल लाइन आप कह लें, या ये पॉलीलाइन है हमारे पास जो कि हमने इसको रोटेट करना है। तो यहाँ पे मेरे पास ये पोलर एरे है, यहाँ से मैं इस लाइन को सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे बेस पॉइंट देना है आपने, बेस पॉइंट के लिए मैं इसको, ये सर्कल का जो मिड है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो आइटम है ये मैं इनको 25 कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। यहाँ से आपने क्लोज पे कर क्लिक करना है। यहाँ पे अभी अगर आप देख रहे तो ये डायनामिक है, हमें डायनामिक नहीं चाहिए, हमें जस्ट ये ऐसे ही चाहिए था, तो मैं इसको एक्सक्लूड कर देता हूँ। यहाँ पे अभी ये जो है ये हमारे पास पॉलीलाइन बन गए। यहाँ पे ये सर्कल है तो इसको मैंने ऑफसेट करना है, ऑफसेट आप 1x1 भी कर सकते हैं। तो मेरे पास इसके लिए भी लिस्प है, ये सारी लिस्प आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसको लोड करता हूँ, इसकी शॉर्ट कमांड है OFM, ओके OFM। तो इससे आप मल्टीपल ऑफसेट जो है वो एक ही दफा में क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे मैं कोई रफली डिस्टेंस दे देता हूँ इसको, यहाँ मैं इस लाइन को सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसके साथ जो है वो लाइन अपीयर होगी है कि आपने किस साइड में क्रिएट करना है। तो मैं इसके सेंटर की तरफ करके क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे ये हमारे पास बन गए हैं। अभी ये जो ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है, ये सारी पॉली लाइन है, और ये जो है ये सिविल 3D सर्फस है। तो अभी हमने इस पे जो है वो अपने कोगो पॉइंट डायरेक्टली क्रिएट करने हैं इंटरसेक्शन में। इसके लिए हमारे पास ये कोगो 2 की लिस्प है, मैं इसको लोड करता हूँ, क्लोज करता हूँ, COGO 2, कोगो 2, ओके। और मैं इन ऑब्जेक्ट को जो है वो ऐसे सेलेक्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि अभी इसके कोगो पॉइंट जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। यहाँ पे ये जो सेटिंग है, ये सेटिंग आपने मैं ऑटोमेटिक पे रख लें तो भी ठीक है, मैनुअल पे रख लें तो भी ठीक है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इन सब के जो है इंटरसेक्शन पे कोगो पॉइंट भी क्रिएट हो गए हैं, और उनके एलिवेशन जो है वो भी यहाँ पे आ गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि ये कैसे वर्क कर रही है। ये सारी लिस्ट जो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इस वीडियो के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।